हेलो बच्चों, आइए हम पीसा बेस्ड न्यू मैथमेटिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि पीसा में एक्चुअली जो क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के, वो हमारे क्या होते हैं, पैसिव बेस्ड होते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन करते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो हमारा वॉकिंग बेस्ड पर दिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सम फुट स्टेप्स दिए हुए हैं और दो फुट स्टेप के बीच का डिस्टेंस को क्या डिफाइन कर रहा है, यहाँ पी से डिफाइन कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, द पिक्चर शोज द फुटप्रिंट्स ऑफ ए मैन वॉकिंग, द पीस लेंथ ऑफ पी इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेयर ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव फुटप्रिंट। मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव फुटप्रिंट्स के बीच का डिस्टेंस को क्या डिफाइन कर रहा है, वो पी डिफाइन कर रहा है। फॉर मैन द फॉर्मूला एन अपॉन पी इज इक्वल टू 140 gives an approximate relation between n and p, where n जो है हमारा क्या डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ द स्टेप पर मिनट एंड p इज द पीस लेंथ इन मीटर्स, ऐसे डिफाइन कर रहा है। n जो है वो क्या कर रहा है कि जो मैन है पर मिनट में कितना स्टेप वॉक कर रहा है उसको डिफाइन कर रहा है, और p जो है जो दो फुटप्रिंट के बीच के डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है। तो एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है वो, एन अपॉन पी इज इक्वल टू 140। जैसे हम मैथमेटिक्स में कई रिलेशन अभी तक सीख चुके हैं, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 times ऑफ एल प्लस बी, वेर एन, एल हमारा जो होता है लेंथ होता है, ब्री ब्रीथ होता है। एरिया के बारे में भी हम सीख चुके हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। सिमिलरली यहाँ पे एक रिलेशन दिया है एन और पी में, एन जो है नंबर ऑफ स्टेप पर मिनट है और पी जो है पीस लेंथ इन द मीटर है। ओके, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन बहुत भारी भरकम है, पर क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन बनाने के लिए पूरा पहले अपन इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा इजी लगने लगेगा हमको। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इफ द फॉर्मूला अप्लाइज टू इकोस, कोई कैंडिडेट है उसका नाम ले रहा है, इकोस वॉकिंग एंड इकोस टेक्स 70 स्टेप्स पर मिनट, मतलब एक इन मिनट में जो इकोस है वो 70 स्टेप चल रहा है। व्हाट इज द इकोस पीस लेंथ, मतलब ये पी के बारे में पूछ रहा है, पी की वैल्यू क्या होगी यदि एन की वैल्यू हमको कितना गिवन है 70 स्टेप, क्योंकि यहाँ पे जो एन कह रहा है नंबर ऑफ स्टेप पर मिनट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 70 स्टेप्स हो पर मिनट ले रहा है इकोस। तो व्हाट इज योर आंसर, ये हमसे पूछ रहा है, हमको ओनली पी की वैल्यू को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको निकालना है। तो रिलेशनशिप हमको क्या दिया है, एन अपॉन पी इज इक्वल टू क्या गिवन है 140, और हमें पी की प्लेस में क्या रखना है, नंबर ऑफ एन की प्लेस में, सॉरी एन की प्लेस में हमें क्या रखना है 70, एन की प्लेस में 70 रखते हुए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और पी की वैल्यू को निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन हमको क्या गिवन है, एन अपॉन पी इज इक्वल टू 140, और एन हमें क्यों कितना गिवन है, एन विल बी इक्वल टू 70 स्टेप पर मिनट। तो 70 अपॉन पी इज इक्वल टू 140। जब इस प्रकार की इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, ये नंबर को यहाँ पे, इस नंबर को हम यहाँ ला सकते हैं, 70 अपॉन 140 विल बी इक्वल टू पी, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 7 1 7 7 2 14, तो पी की जो हमारी वैल्यूज आएगी, पीस लेंथ इन मीटर निकालना है तो 1/2 मीटर, 1/2 मीटर को हम 0.5 मीटर करते हुए भी हम अपना कंप्लीट आंसर दे सकते हैं। 0.5 मीटर ना लिखने के बजाय हम इसको 50 सेंटीमीटर भी अपने आंसर में लिख सकते हैं। इस प्रकार यदि आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको फुल क्रेडिट मिलेगा, अगर केवल सिंपली आप 1/2 लिखेंगे तो आपको पार्शियल क्रेडिट करेगा, पार्शियल क्रेडिट माने ओनली हाफ मार्क्स करेगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पीसा बेस्ड।